तो गाइस फाइनली मेरी गाड़ी यहाँ पे रेडी हो चुकी है और हम आज निकल रहे हैं पुणे से औरंगाबाद। तो पहला हमारा आज स्टॉपेज है औरंगाबाद में और मेरे हो गए पसीना पसीना। तो अब मैं चलता हूँ और आपको मिलता हूँ रास्ते में। चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी। यहाँ पे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, हमारा जो नॉर्मल सेटअप है वो काम में नहीं आया, इसलिए हमने अभी अपना लगेज का जो अरेंजमेंट है उसे चेंज किया है। आज हम रुकने वाले हैं औरंगाबाद में ऑलरेडी। अब हमने यहाँ से जर्नी स्टार्ट की है, रीडिंग है 13487 मान लेते हैं। और यहाँ पर आज हमें करना है कवर करीब करीब 250 किलोमीटर। मैं देखते हूँ कितने देर में कवर हो पाता है आज, कि ऑलरेडी अभी यहाँ पे सुबह के ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं और हमें कवर करते करते शायद 5-6 घंटे लग जाएंगे। तो एस्टिमेटेड टाइम है शाम के 4 बजे तक। मैं आज 5 फरवरी को जब निकल रहा हूँ तो उससे पहले मैंने अपनी बाइक की सर्विसिंग प्रॉपरली करवा ली है ताकि मुझे किसी भी तरीके का इशू ना हो बाद में रास्ते में कहीं पे भी। तो यह सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आपको तभी भी आप जब ट्रैवल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। और सेकेंड प्रॉब्लम मेरे साथ में ये हो गया है कि मेरा जो कैमरा है SJ Camera 6 Legend उसमें कुछ आ गए हैं इशूज़। और उसकी वजह से क्या है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा बैटरी है लेकिन अब उससे मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि जो ऑलरेडी इसमें इंसर्टेड बैटरी था वो ज़्यादा फूल गया है शायद। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो बाहर है और उसका जो एक स्ट्रिप होता है बैटरी में लगा वो भी टूट चुका है। और इस प्रॉब्लम की वजह से क्या हो रहा है मुझे कि मैं दूसरी बैटरी इसमें इंसर्ट नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मुझे कंटिन्यूसली इस कैमरे को चार्ज करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और ये खड़की का यहाँ पे एरिया है, पे जगह भी नहीं हो रहा है गाड़ी वगैरह निकालने के लिए। और यहाँ पे जब से मैंने अपने बाइक के आगे और पीछे यूट्यूब और अपने चैनल का नाम क्या लिखवाया है लोग बहुत ज़्यादा घूरते हैं। और पुणे से ही निकलने में करीब 1-1.5 घंटा लग जा रहा है और ये आपका बागोली के बाद तक जो है बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है और उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा खाली हो जाएगा। उसके बाद हम काफ़ी अच्छे रफ्तार में यहाँ से अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ पाएंगे। अब यहाँ पे पहला टोल आया है जो कि बहुत पहले ही बंद हो चुका है। नागपुर भी दिखा रहा है, मतलब कि हम सही रूट से जा रहे हैं। सीढ़ी है यहाँ से 139 किलोमीटर्स और नागपुर है 680 किलोमीटर, इंदौर है 530, औरंगाबाद 145, नागपुर 659। तो हमें औरंगाबाद जाना है 149, मतलब करीब करीब 150 किलोमीटर अभी भी है यहाँ से। और अगर आप यहाँ से देख पाएंगे तो उस साइड जो है आपको विंड मिल दिख जाएंगे। और अब हमारा यहाँ पे स्टॉपेज आने वाला है, 100 किलोमीटर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, आपको कुछ शॉट दिखाऊंगा, वहाँ पे मुझे विंड नहीं दिखाया लेकिन आपको शायद ही दिखे। जैसे अगर देखें तो मैं भी यहाँ पे रुक सकते हैं, आनंदी प्योर वेज, आई थिंक दिस इज़ अ गुड लोकेशन। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे निकल रहे हैं रीडिंग 13588 जो कि यहाँ से करीब 100 किलोमीटर से ऊपर हो चुका था। हम करीब यहाँ पे 104 किलोमीटर के बाद यहाँ पे रुके। तो अगर अब मैं जहाँ पे खाना खाया आनंदी रेस्टोरेंट पे अगर मैं उसकी बात करूँ तो खाना ओवरऑल ठीक ठाक था और कॉस्ट भी उसका ठीक ठाक था। और जो सबसे बड़ा इशू था वो है आपका ऑयल, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा ऑयल था और वो मुझे अच्छा ही लगता, बहुत ज़्यादा ऑयल खाना। और अगर हम रोड के उस पार जाएँ तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर वैली है और पहाड़ी की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिल जाएगा, जैसे कि वो देखिए वहाँ पे विंड मिल और
साथ ही साथ में ये पहाड़ तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है यहाँ से देखने में। और कहीं पे मैं रुकता हूँ भी, और वो देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ से आपको दिखेगा। तो दोस्तों ये देखिए ऐसा लोकेशन, अगर आप कभी आना चाहते हैं यहाँ पे तो आ सकते हैं। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और ये देखिए कितना सुंदर वैली है यहाँ पे, रास्ता काफ़ी सुंदर, वैली भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर। एक साइड में है विंड मिल, दूसरे साइड में ऐसा पहाड़, तो मतलब कितना अच्छा लगता है ना देखकर। और आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं प्रतापगढ़ फोर्ट का और थोसागढ़ वाटरफॉल का, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिमिलर एकदम सीन वगैरह था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैं लिंक दे दूँगा उन वीडियो का, और यहाँ पे कार्ड में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पे ऐसे मोड़ पे हैं जहाँ पे अगर हम लेफ़्ट जाते हैं तो हमें शिरडी पड़ेगा, सिंगनापुर भी जो है आपको एक इधर से भी रास्ता मिलेगा, शायद एक इधर से भी रास्ता होगा, तो आपको दो रास्ता मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा लगता है, कोई बाय बाय टाटा, बच्चे लोग खुश तो मज़ा आता है ना। एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, शायद किसी की डेथ हो गई है, तो ट्रैफिक पूरा जाम 113 किलोमीटर्स यहाँ पे कवर करना है। देखिए सामने के जो ये मार्शल जा रही है उसका पीछे गेट खुला हुआ है और एक आदमी उसको पकड़ के रखा है, तो इट शुड नॉट हैपन, क्योंकि कभी भी गलती से कुछ ज़्यादा ही टाइट ब्रेक लगता है तो आपके हाथ पैर में लगने के ज़्यादा चांसेस हैं, एक तो गेट से और दूसरा कि अगर गलती से ज़्यादा एक्सेलरेट होता है गाड़ी तो वहाँ पे जो है आपके गिरने का चांस भी वो बढ़ जाता है। और ये देखिए कितनी सुंदर पहाड़ियाँ हैं, ये हम जब औरंगाबाद के लिए निकल रहे हैं, देखिए कितनी सुंदर पहाड़ियाँ हैं, कितना सुंदर नज़ारा। और अभी भी यहाँ से औरंगाबाद करीब 90 किलोमीटर से नागपुर 588, क्योंकि मोस्टली मुझे कल ट्रैवल करना है नागपुर, या फिर सेकेंड स्टॉपेज जो है वो है वर्धा। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, और यहाँ पर ट्रैवलर्स बैकपैक लिए हुए पैदल जा रहे हैं। तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ सफ़र अकेले, और ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मेरी लाइफ का। 1100 किलोमीटर, सॉरी 11 से 1300 किलोमीटर का जो राइड है वो मैं कंप्लीट करूँगा 3 दिन में, क्योंकि हमारे पास है बाइक वो है होंडा सिटी साइन, जो कि उतना लंबा स्ट्रेच नहीं ले पाएगी वन टाइम या फिर वन एंड से, इसलिए हमें ब्रेक ले लेकर और खुद को भी रेस्ट दे कर घर जाना है। और यहाँ पे आ गया है, ओए होए ओए होए, यहाँ पे है गो स्लो, तो हम जा रहे हैं अब यहाँ पे थोड़ा सा धीरे, देखते हैं कि आगे धीरे जाने के लिए क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे है बहुत ही सारे स्पीड ब्रेकर्स, डर 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 डर। अब हम यहाँ पे गुजर रहे हैं सनी सिंगनापुर के पास से, और यहाँ का सीनरी इतना अच्छा है अगल बगल का कि आप देखिए यहाँ पे गन्ने के खेत बहुत सारे में दिखेंगे आपको, और उसके बगल से जो है आपको लगातार गन्ने के जूस वाले जो है दुकान लगा कर यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये देखिए गन्ने का खेत कितने सुंदर है दोनों साइड, एक साइड में दोनों साइड में। और सनी सिंगनापुर जो है बहुत ज़्यादा फेमस है सनी देव की वजह से, और
यहीं पर इनकी मूर्ति है जहाँ पर लोग उन्हें तेल चढ़ाकर पूजा करते हैं। रायपुर 880 किलोमीटर्स और हमें जाना है यहाँ से बिलासपुर, तो रायपुर से बिलासपुर भी करीब 100 किलोमीटर्स के आसपास है, तो टोटल अभी भी हमें 1000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करना बाकी है जो हमने 2 दिन में डिवाइड किया है अगले 2 दिनों में। तो देखते हैं कि वो सफ़र या फिर वो जो ट्रैवल होगा वो कितना सक्सेसफुल हो पाता है आगे। दोस्तों अब यहाँ से बचा है हमारा होटल करीब 44 किलोमीटर्स और हम अभी ब्रिज के बीच में खड़े हैं और काफ़ी सुंदर नदी है। अगर वहाँ पे आप देखें तो वहाँ पे देखें तो बिल्डिंग भी बीच बीच में मंदिरें जो हैं वो डूब चुकी हैं। यहाँ पे मेरे साथ में सामान थोड़ा ज़्यादा है इसलिए हम यहाँ पे प्रॉपरली नहीं रुक पा रहे हैं कहीं पे भी, हमें बाइक से ही बैठ कर सभी चीज़ें देखना पड़ रहा है। और अगर वहीं पे हम सामान कम रखते तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता उस टाइम पे, क्योंकि मैं जा रहा हूँ बाइक को लेकर घर तो मेरे साथ में सामान होना थोड़ा लाजमी था क्योंकि घर में कुछ और सामान भी ले जाना था। तो फिलहाल कोई बात नहीं, अभी एक लॉन्ग ट्रिप है और ये फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप है, इसके बाद भी बहुत सी लॉन्ग ट्रिप्स आएंगी फ्यूचर में आपके लिए। और ये देखिए ओवरलोडेड ट्रक बनने से, वैसे तो आज हम कहीं जा नहीं पाएंगे तो मोस्ट ऑफली आज हम रेस्ट ही करेंगे, फिर कल सुबह देखा जाएगा क्या करना है। ऑलमोस्ट हम अपने होटल के पास में पहुंच चुके हैं। काका होटल होटल कार्तिकी पता है क्या? होटल कार्तिकी ये यहाँ से है क्या? अच्छा अच्छा ही है, ओके ओके चलो थैंक यू। ये ब्लॉगिंग का है यूट्यूब, आप यूट्यूब के लिए काम कर रहे हैं जी? पहन सकता ना तो यूट्यूब में जाएगा? हाँ बिल्कुल आप पहन लीजिए, उसको पहना लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा आगे क्या शूट कर रहे हैं ये दिखाई देता है समझो? बराबर बराबर बाइक से आया ना? हाँ बराबर पूरा कुछ भी रोड से आए गए पूरा रिकॉर्ड होते रहते हैं। आप उसके लिए देना है आपको यूट्यूब में जो देना है उसका एक्स्ट्रा जो नोट्स अपलोड कर सकते हैं।